अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ MGT 502 के असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 22 है। इट्स मीन कि 22 से पहले आपने अपना सॉल्यूशन जो है वो LMS पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके पास एक सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्वेश्चन प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने उसको रीड कर ली है, मैंने ये रीड कर ली है, ठीक है। अगर अभी मैंने अगेन इसको आपके सामने रीड किया तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए इसको आपने खुद रीड कर लेना है। मैं इसको रीड कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ क्या है। बाय कीपिंग इन माइंड, ठीक है, तो ये स्नैरियो जो है गिवन है, इसको आपने रीड करना है। और रीड कैसे करना है कि अपने माइंड में जो है वो एलिमेंट्स रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके आई थिंक 6 एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, 6 या 7, ठीक है। उनको आपने माइंड में रख के इस स्नैरियो को रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट जो है वो सजेस्ट करना है, ठीक है। जो स्टार्स फोर्डवेयर जो है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, वो कौन सा एलिमेंट जो है वो चूज़ करेगा या सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसको कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट करना चाहिए, ये आपने सजेशन देना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपने इसका नेम भी लिखना है, ओनली नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। जस्ट इसका नेम लिखना है। उसके बाद क्या है कि जस्टिफाई योर सजेस्ट, ठीक है। जो भी आपने एलिमेंट सजेस्ट करना है उसको आपने जस्टिफाई करना है 2 valid arguments से, ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्नैरियो, जो स्नैरियो के स्नैरियो जो आपको गिवन है, ठीक है, उस पे जो बेस कर रहे हों 2 logical valid arguments वो ले देने हैं जो स्नैरियो में जिनका जिक्र किया गया है। और अपने सजेशन को, आपने जो सजेस्ट किया है एलिमेंट उसको आपने जस्टिफाई करना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट है। इम्पॉर्टेंट नोट में क्या है, यू आर स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू राइट यूर आंसर इन द टेबल बिलो बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली, ठीक है, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नोट में क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपको असाइनमेंट के नीचे, असाइनमेंट क्वेश्चन में नीचे एक टेबल जो है वो गिवन है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में आपको ये कहा गया है कि आपने जो राइट करना है अपना आंसर वो इसी टेबल में राइट करना है, अदरवाइज आपको 0 marks मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि योर सेकेंड आंसर शुड नॉट बी मोर देन 30 words, ठीक है। तो ये जो आपका सेकेंड आंसर है जिसमें आपने 2 valid arguments देने हैं, वो कितने वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 words से, ठीक है। और टोटल लिमिट जो है वो दोनों क्वेश्चन की टोटल लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जो है वो 35 होना चाहिए, ठीक है। और अगर स्ट्रिक्टली आपको कहा गया है कि अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को ना फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, या वायलेट करेंगे तो क्या होगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बिल्कुल छोटा सा सॉल्यूशन होना है, ठीक है, क्योंकि आपको वर्डिंग से ही पता चल रहा है कितने मैक्सिमम वर्ड आप लिख सकते हैं, 35, ठीक है। इसमें बिल्कुल छोटा सा आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो हम देख लेते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखने से पहले, ठीक है, वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपका मजीद सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करती रहूँ। अब मैं आपको यहाँ पे जो स्नैरियो है वो जब मैंने रीड किया, ठीक है, तो मुझे जो एलिमेंट यहाँ पे लगता है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके हैंडआउट्स पे ले जाती हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके जो है वो कितने ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर उन तमाम एलिमेंट्स में से जो मुझे एलिमेंट जो मैंने चूज़ किया है, जो मैं सजेस्ट करूँगी, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आप भी एक दफ़ा जो स्नैरियो है उसको रीड करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे आंसर से सेटिस्फाई होंगे और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पे जो मुझे एलिमेंट लगता है उस एलिमेंट का मैं नेम लिखने लगी हूँ और उसको हम हैंडआउट में सर्च करके, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एलिमेंट मैंने क्यों चूज़ किया, ठीक है, और स्नैरियो में क्या बात कही गई थी जिसकी बेस पे मैंने इस एलिमेंट को चूज़ किया। तो वर्क स्पेशलाइजेशन जो है, ठीक है, यहाँ पे है वर्क स्पेशलाइजेशन। ये देखिए कितने इसके एलिमेंट्स हैं, 6, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड्स, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है। अब इन 6 एलिमेंट्स से हमने एक एलिमेंट जो था वो सजेस्ट करना था और जस्ट उसका नेम बताना था। तो यहाँ पे जो मैंने सजेस्ट करने के लिए यहाँ पे
ठीक है, सोचा है नेम वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन पे इसकी ले जाती हूँ। ठीक है, वर्क स्पेशलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन जो है मेरे अकॉर्डिंग वो इसका करेक्ट आंसर है। जो आपको सिनेरियो गिवन है उसमें यही टर्म जो है ये बताई गई है, इसी टर्म को डिफाइन किया गया है। क्योंकि ये देखें यहाँ पे इसमें क्या होता है, वर्क स्पेशलाइजेशन में, ठीक है, वर्क स्पेशलाइजेशन जो होती है वो डिस्क्राइब करती है किसी डिग्री को, जो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन के किसी टास्क को डिवाइड करती है सेपरेट जॉब्स में। ठीक है, वर्क स्पेशलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक टास्क होता है, ठीक है, और ग्रुप्ड पीपल जो होते हैं उन्होंने उसको टास्क को सॉल्व करना होता है कैसे, ठीक है, डिफरेंट जो ग्रुप्स में पीपल होते हैं, ठीक है, पर्सन होते हैं, वो जो टास्क होता है उसको स्मॉल पीसीज में इस तरह से समझ लें, ठीक है, या सेपरेट जॉब्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर जब उनको डिवाइड कर लेते हैं तो ईच पर्सन जो है वो अपने वाले पार्ट को, ठीक है, जो उसको सेपरेट जॉब दी गई होती है, ठीक है, जो उसका पार्ट होता है वो उसको सॉल्व करता है, ठीक है, उस पर काम करता है, उस पर वर्क करता है, ठीक है, जब तमाम वर्क कर लेते हैं फिर उसको मिला के एक टास्क बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, वर्क स्पेशलाइजेशन, जिसमें हम एक टास्क को स्टेप्स में ब्रोक करते हैं, ठीक है, और देन उसको परफॉर्म करता है ईच पर्सन जो है अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, ये आपके पास होती है वर्क स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और सेकंड बात जो इसमें मुझे लगी थी वो ये थी कि इससे क्या होता है, वर्क स्पेशलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और ये पॉइंट भी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ का, ये भी आपको सिनेरियो में बताया गया है, ठीक है। तो वो सेकेंड पॉइंट ये था जिसकी वजह से मैंने इस एलिमेंट को चूज़ किया है। अब यहाँ भी मैंने रीड किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कहाँ है, ये देखें, ठीक है, एवरी पर्सन जो है, ठीक है, एवरी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में क्या होता है, एवरी पर्सन इज असाइंड अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जॉब, ठीक है। तो एवरी पर्सन को क्या होता है, जॉब का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो दिया जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग होल एक्टिविटी, ठीक है। हर पर्सन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि हर पर्सन जो है वो एक स्पेसिफिक एक अलग पार्ट ऑफ जॉब को वर्क कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, ठीक है, उसको वो जॉब पार्ट ऑफ जॉब जो है वो असाइन किया गया, उसने जस्ट उसी पर काम करना है, सारी एक्टिविटी पे सारे टास्क पे उसमें उसने काम नहीं करना, ठीक है। ईच पर्सन ने अपने अपने पार्ट ऑफ जॉब पे काम करना है और स्पेसिफिक वो पार्ट ऑफ जॉब होगा, ठीक है। इस पॉइंट की वजह से मैंने इसको चूज़ किया वर्क स्पेशलाइजेशन को, उसमें भी यही बताया गया था कि टास्क जो है उसको डिवाइड किया जाता है सेपरेट जॉब्स में और देन ईच पर्सन जो है वो अपने अपनी जॉब को पार्ट ऑफ जॉब को परफॉर्म करता है, उस पर वर्क करता है। सेकेंड बात जो थी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी जो है ये देखें प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है इस पर, ठीक है। तो उसने कहा था प्रोडक्टिविटी जिससे इंक्रीज़ हो वो हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी दूसरा पॉइंट जो था वो वर्क स्पेशलाइजेशन में दूसरा पॉइंट यही था कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। यही दो पॉइंट थे जिनकी बेस पे मैंने इस पॉइंट को जो है वो सिलेक्ट किया। आंसर जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल छोटा सा हमारा आंसर है और उसी टेबल में आपने इसको फिल करना है, ठीक है। इस तरह से आपने वही टेबल लेना है, उसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया वर्ड में, तो आपने यहाँ पे जस्ट लिखना है क्या, वर्क स्पेशलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपने ये दो जो है आर्ग्यूमेंट्स इसको लिख लेना है और ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इनको आप जितना शॉर्टकट में लिख सकते हैं आपने उतना शॉर्टकट में लिखना है, ठीक है। इसमें से कुछ वर्ड्स जो हैं वो आप मिस कर सकते हैं, और क्योंकि मैंने ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये मैंने आपको जो लेंथ बताई है उससे ज़्यादा लिखे हैं, ताकि आप इन दो सेंटेंसेस से आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आप इसको शॉर्टकट में खुद लिख लें, ठीक है। और कुछ वर्ड्स जो हैं वो इसमें से स्किप कर लें। तो हम देख लेते हैं हमारी टोटल कितनी वर्ड्स हैं, आपने 35 वर्ड्स करने हैं, ठीक है। टोटल कितने वर्ड्स करने हैं आपने, 35। टोटल हमारे ये 56 वर्ड्स हैं और इसमें ये तमाम वर्ड्स जो ऊपर मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये तमाम वर्ड्स इंक्लूड हैं। आपने जो है इसके ये जो एलिमेंट लिखना है इसके और ये दो आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, इन दोनों तीनों चीज़ों के आपके टोटल जो है वो वर्ड्स कितने होने चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यही आपकी इंस्ट्रक्शंस थी। उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन जो है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने इसको राइट किया है और क्या इसका कॉन्सेप्ट था जो सिनेरियो गिवन था और किस बेस पे इस एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट किया है। और आप मज़ीद आप
अगर आपको कोई डाउट है ठीक है, तो आप क्या करें, आप उस पैराग्राफ को जो मैंने आपको दिखाया वर्ड स्पेशलाइजेशन, आप उसको रीड करें। उसके बाद आप जो स्नैरियो गिवन है आपको क्वेश्चन फाइल में, उसको आप रीड करें, तो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं, ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ।